अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन। तो आइए हम आप देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। खोया, देसी घी, मैदा, पनीर, ड्राई फ्रूट, ये खाने का सोडा। अब हम इसको, ये हमारी पहले हमने बनाए थे इसकी चाशनी पड़ी हुई है, पर ये कम है, हम इसमें और भी डालेंगे। अगर हम चाशनी बचती है हम रख सकते हैं बच्चा को, इससे कुछ नहीं होता, चाशनी को कुछ नहीं होता है। दो, अगर हमने दो चीनी का डाला है तो एक कप हम पानी डालेंगे, एक कप हम पानी डालेंगे। ये देखिए, जब तक ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम मेवे की तैयारी कर लें। जो मावा है ना, जो हमें इसका मावा चाहिए ना, थोड़ा सख्त ऐसे होना चाहिए। ये एक मावा हमने घर में बनाया है और पनीर भी घर का, जो ये बन रहा है घर की चीजों से ही बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मावा है, बिस्मिल्लाह, इसको हमें ऐसे ताकि ये जल्दी जल्दी हमें हो जाए। ये देखिए, चाहे ऐसे भी नहीं है तो हाथ से भी है नरम। ये देखिए, अब मैं इसको आपको सॉफ्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। देखिए, जो आपका डो है ना, ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नरम। ये देखिए, जितना आप इसको मसलोगे उतना आपका अच्छा निकलेगा, थोड़ी ताकत लगेगी, पर डो बिल्कुल ऐसे नरम चाहिए। ये देखिए ऐसे, ताकि हम ये ऐसे करें, ये देखिए क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए ऐसे इसको मसल मसल के बिल्कुल ही डो को ऐसे इसको अच्छे से, जब तक ये गर्म नहीं ना, ये मतलब कि इसको बहुत हम मसलेंगे ऐसे ऐसे, ताकि ये देखिए पहले कैसा मेवा दिख रहा था, अब देखो अब कितना स्मूथ लग रहा है। ये देखिए अब बहुत स्मूथ हो गया, इसका मतलब ये हमारा तैयार हो गया मावा। अब हमें पनीर को भी ऐसे ही करना है। ये हमने रख दिया मावा, ये देखिए जो अब हमारा ये पनीर है, पनीर को ऐसे तोड़ना है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे पूरी ताकत लगा के इसको ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये इसे इसके इस पे रख के हमें अच्छे से इसको मसलना है, जितना अच्छे से ये एक सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। इसको 5 मिनट तक मतलब अच्छे से ताकत के साथ ऐसे ऐसे मसलिए ऐसे। ये देखिए, और जो पनीर होगा खोए से, मतलब खोया अगर 4/4 है, चार हिस्से में अगर खोया, इससे 4 गुना ज्यादा है, मतलब एक एक का 4 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा बस खोए का, इसका पनीर का होगा, 4 हिस्से खोए के होंगे। ये देखिए, ये आप रखना, फिर आपका कभी भी गुलाब जामुन खराब नहीं होगा। ये देखिए, इसको बस मसलते जाना है ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट कर देना है, जैसे हम छेना बनाते हैं रसगुल्ले के लिए वैसे इसको, देखिए ताकि ये बाद में फूले। ये देखिए ऐसे ऐसे आइए, बार बार दिखाओ जरा कैसे मसलना नहीं आएगा। ये देखिए इसके 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 दम पे ये ऐसे ऐसे मसलना, ऐसे ऐसे हथेलियों के दम से इसको मलना। इसको मेन काम यही है मसलने का ही, इसको अभी बिल्कुल सॉफ्ट मलाई कर देना है पनीर को, ताकि ये भी एक डो की तरह बन जाए। उसके बाद नहीं ट्राई, मेन काम ही इसका यही है गुलाब जामुन का, कि
इसको मसलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। अगर हम नहीं मसल पाते हैं फटते हैं हमारे हमारे गुलाब जामुन होते हैं फट जाते हैं, उसका ज़रा ध्यान रखना है। और फिर अभी मैं मसल के फिर मैं आपको और बताती हूँ क्या करना है आगे। ये देखिए जो हमारा छेना था, देखो कितना अच्छा छेना हो गया। ऐसे इसको भी सॉफ्ट करना है, ये देखिए इसको भी हम ऐसे करेंगे। ये देखिए पनीर को कोई क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल ही गोल हो रहा है। ये देखिए कि हमें इसका ख्याल रखना है, बिल्कुल गोल से क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल डो हमारा तैयार है। अब क्या करना है, ये देखिए हमारा ये भी हमारा हो गया है, इसका हमें चेक करना है। इसको ज़्यादा एक तार का नहीं बनाना है, मतलब अगर ये पतला भी होगा चल जाएगा। ये हमारा रेडी है, अब हमें गुलाब जामुन तल के हमें डालेंगे, कुछ नहीं होगा। ये हमारा चाशनी रेडी है, कभी भी इसकी अगर चाशनी बच जाए उसको फेंकना नहीं चाहिए, हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं उसको। इसको हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, इसको हम इधर रख दिए। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब ये जो डो है अब इन दोनों को मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और इसमें हमें डालना है मैदा। ये देखिए ये मैदा है, एक दो इतनी डाल के देखेंगे, और हमें डालना है ये खाने का सोडा, ये देखिए इतना सा बस। बस जो काम है ये काम मिक्स करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। फिर देखिए आपको मैं दिखाते रहूं, एक मिनट। और जो हमने वो चाशनी बनाई है उसमें हमने छोटी इलायची डाली हुई है खुशबू के लिए। बस ये अगर आपका डो सही से बन गया फिर तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, बाकी हमारा देखिए अब मैं ये रेडी करके फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए डो कैसा हो गया, ये देखिए कितना सॉफ्ट। ये देखिए इसको मेन काम है मसलना, तो मतलब मसलना या गूंदना मेन काम ये है। अब हम क्या करेंगे इसको इसमें रख के, अब देखिए हमें क्या करना है। अभी हमें छोटे छोटे बाउल लेने हैं, ये देखो इसके कोई क्रैक नहीं पड़ रहे हैं, ये देखिए ये देखिए। अब हमें ऐसे करके ये जो हमारे थोड़े से ड्राई फ्रूट है ये देखिए ये ऐसे करना है, ड्राई फ्रूट एक डालकर ऐसे ये देखिए चिकना हट जैसा। ये देखिए ये हमारा बन गया एक गुलाब जामुन। मैं सारे बना के ना फिर आपको मैं तल फ्राई करते वक्त दिखाऊंगी। ये देखिए जितने भी थे हमने इसको गोल बना लिया, अब हम इसको करेंगे फ्राई। हमने गैस ऑन किया हुआ, जितना भी ये घी है ये देसी घी है, इसको हमने मेल्ट करना है। ये देखिए हमारा भी तेल गरम नहीं है, अभी घी गरम नहीं हुआ, जब थोड़ा सा तेज होगा उसके बाद हम ये डाल के फिर आस्ते में हम लोग इसको गुलाब जामुनों को फ्राई करेंगे। देसी घी गरम हो गया है, ये देखिए अब हम इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाह ज़्यादा गर्म था, एक मिनट हो गया थोड़ा सा ही।
जो होते जाएंगे, नहीं उसमें ही डालना, पहले इधर रखना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा हमें वो हो गया। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, जो आस्ता आस्ता हमें सारे डाल के बस इसको चलाते रहना है। कुछ मैंने जानबूझ के ये थोड़ा वो किए हैं, किसी को ज़्यादा ब्राउन पसंद होते हैं। ऐसे ऐसे करो पैन को, ऐसे ऐसे करो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे करना है ऐसे, क्योंकि ये ना जब डालो ना ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हम करेंगे जो हमारा घी है सब पे पड़ेगा, सारे गुलाब जामुन पे इक्वल पड़ेगा। ये देखिए ऐसे, आंच स्लो रखनी है, ये देखिए, और ऐसे ऐसे करते रहना है। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे कलर आ गया। ये देखिए कलर, इसको थोड़ा सा मैं और ब्राउन करूंगी क्योंकि थोड़ा से करारे अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब हमारे ऐसे हो गए हैं। अब हम इसको निकाल देंगे, उसके बाद हमें इसे चाशनी में डालना है। ये देखिए ऐसे, ये कितना अच्छा कलर है। सारे गुलाब जामुन रेडी हैं। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, ये देख रोशनी में दिखाती हूँ। ये हमारा फाइनल लुक है। अभी ये रात भर रहेंगे और भी बड़े हो जाएंगे। अभी तो मेरे को जल्दी करना था वीडियो को एंड। अब हम इसको टेस्ट कराएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट, ये देखिए, ये देखिए, बस ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। बस ये चीज है, ये मैंने वो कर, ये देखिए ऐसे हमने डाला। ये देखिए, ये हमारे सब्सक्राइबरों के लिए, ये लीजिए। कमेंट में जरूर बताना है गुलाब जामुन कैसे बने हैं। ये देखिए, ये इधर दिखाऊं, ये देखिए, कुछ हम फ्राई, कुछ कई पसंद होती है थोड़े तेज, कुछ लाइट खाते हैं, तो हमने तेज भी रखा है लाइट भी रखा है। तो अगर आपको गुलाब जामुन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए कैसे, ये देखो कैसे इसका मेवा निकल रहा है। ये देखिए ये कितने, ये सॉफ्ट हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, तो खा के भाई मेरे सब्सक्राइबरों के लिए। तो अब एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे गुलाब जामुन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मतलब कि आप ये मतलब बना सकते हैं, पर ये है कि जो हमारी आंच होती है उसको थोड़ा स्लो रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, वरना गुलाब जामुन जलने का डर होता है। और कल के वीडियो में आप देखोगे मैं चिकन बिरयानी बनाऊँगी, तो प्लीज़ कल का वीडियो आप ज़रूर देखना, चिकन बिरयानी मैं बनाऊँगी और साथ में पंजाब का एक पराठा बनाऊंगी। तो कल के वीडियो में जरूर देखना, पंजाब का आलू का पराठा और चिकन बिरयानी। तो प्लीज़ कल का वीडियो जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो कल मैं दोबारा मिलती हूँ आलू के पराठे डिश के साथ और बिरयानी के साथ। अच्छा, फिर अल्लाह हाफिज़।